सीटू जिला कमेटी के आह्वान पर बीबीएन के मजदूरों ने यूनियनों के पंजीकरण व श्रम कानूनों को लेकर श्रम कार्यालय झाड़ मांजरी पर जोरदार प्रदर्शन किया। सीटू ने चेताया है कि अगर श्रम विभाग ने अपनी कार्य प्रणाली दुरुस्त ना की तो 28-29 मार्च को मजदूर हड़ताल करके श्रम कार्यालय की घेराबंदी करेंगे। दोपहर 11 बजे से शुरू हुआ मजदूरों का प्रदर्शन दोपहर 2 बजे तक चला। इस दौरान सीटू कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन काफी उग्र हो गया। सीटू कार्यकर्ता श्रम विभाग की कार्य प्रणाली से काफी खफा नजर आए। वे 3 घंटे तक जोरदार नारेबाजी करते रहे। इस दौरान सीटू प्रतिनिधि मंडल श्रम अधिकारी से मिला व मांग पत्र सौंपा, जिस पर श्रम अधिकारी ने मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया। इसके बाद ही सीटू कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त किया। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, एंडी रनौत, ओम दत्त शर्मा व मोहित वर्मा ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि बीबीएन का श्रम कार्यालय उद्योगपतियों के इशारों पर कार्य कर रहा है व कई कई सालों तक यूनियनों का सत्यापन करने में आनाकानी कर रहा है। श्रम कार्यालय की इस लचर व पक्षपात पूर्वक कार्य प्रणाली के कारण मजदूरों को अपनी यूनियन का पंजीकरण करवाना लगभग नामुमकिन हो गया है। श्रम विभाग पूरी तरह पूंजीपतियों की गोद में बैठ गया है व मजदूरों की न्याय हासिल करने की उम्मीद खत्म हो गई है। मजदूरों के मांग पत्र भी सालों से श्रम कार्यालयों की फाइलों में धूल फांक रहे हैं। श्रम कार्यालय की लचर कार्य प्रणाली व मिलीभगत के कारण उद्योगपति मजदूरों को पीड़ित कर रहे हैं। उन्हें यूनियन बनाने पर नौकरी से निकाला जा रहा है। CITU जिला सोलन कमेटी की ओर से आज जो BBN का लेबर ऑफिस है झाड़ माजरी में, वहाँ पर ये प्रदर्शन हमने किया है। मुख्य मुद्दा ये है कि जिस तरीके से BBN के इलाके में जो यूनियनों का निर्माण हो रहा है, उसका जो पंजीकरण है, इस देश के अंदर जो है यूनियनों के पंजीकरण का कानून 1936 का है और उसके अनुसार पंजीकरण होना चाहिए, उनका सत्यापन होना चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए और मजदूर को जो पंजीकरण के जरिए कानूनी वैधता मिलती है वो होना चाहिए। लेकिन देखने में ये आया है कि कई कई वर्षों तक लेबर ऑफिस के अंदर जो है फाइलें पड़ी रहती हैं, यूनियनों का वेरिफिकेशन नहीं होता, जिसके कारण यूनियन का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है जो कंपनी प्रबंधन है वो मजदूरों का दमन करते हैं, उनका शोषण और ज़्यादा करते हैं। यहाँ तक कि जब यूनियन के लिए मजदूर अप्लाई करते हैं तो रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण उनको नौकरियों तक से निकाला जाता है या ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या दूसरी तरह की विक्टिमाइजेशन की जाती है। तो एक मुद्दा तो ये था कि ये कार्य जो है 45 दिन के अंदर किया जाए, क्योंकि देश के कई राज्यों में 45 दिन के अंदर यूनियन का रजिस्ट्रेशन होता है। दूसरी बात यह है कि श्रम कानूनों की भी बड़ी स्तर पर जो है अवहेलना जो है BBN के इलाके में हो रही है और इसमें जो लेबर ऑफिस की भूमिका हो सकती है कि देश के जो 44 श्रम कानून अभी भी कायम है, बेशक 4 लेबर कोड बन गए हैं, वो श्रम कानून जो है यहाँ पर लागू नहीं किए जा रहे हैं। मजदूरों को न्याय नहीं मिलता है। मजदूरों के जो मांग पत्र हैं उन मांग पत्रों पर जो है कई कई महीने तक जो है वार्तालाप नहीं होती, उसका समाधान नहीं होता है। लेबर ऑफिस की जो चिंता और वार्ता में भूमिका होनी चाहिए उससे एक तरह से बिल्कुल निष्क्रिय भूमिका जो लेबर ऑफिस की नज़र आती है। तो इन सारे मसलों को लेकर जो है आज हम यहाँ पर आए थे, प्रदर्शन हमने किया, उसके बाद जो है बातचीत भी लेबर ऑफिसर से हुई है और ये आश्वासन उन्होंने दिया है कि इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर BBN के इलाके में मजदूरों को न्याय नहीं मिलता है, श्रम कानूनों की पालना नहीं होती है, यूनियनों का वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन टाइम से नहीं होता है, तो निश्चित तौर से मजदूर लामबंदी करेंगे। और अभी 28-29 मार्च को पूरे देश में 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल हो रही है। BBN के अंदर हिमाचल के अंदर सबसे ज़्यादा मजदूर अगर एक जगह कहीं है वो BBN के इलाके में, जहाँ 2 लाख से ज़्यादा मजदूर जो काम कर रहा है। हम आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से मजदूरों से भी अपील कर रहे हैं कि 28-29 मार्च की हड़ताल को सफल बनाएं और भारी तादाद में जो है सड़कों पर उतर कर जो है लामबंदी भी करें, प्रदर्शन भी करें और अपने अपने उद्योग को बंद करके जो है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियाँ हैं, जिसमें खासतौर पर जो लेबर कोड का सवाल है, 21,000 रुपये वेतन का सवाल है, जिसमें जो ठेका प्रथा उस पर रोक लगाने का सवाल है, आउटसोर्स के लिए नीति बनाने का सवाल है, पुरानी पेंशन बहाली का सवाल है और इसके साथ जो नियमितीकरण का सवाल है आंगनबाड़ी वर्कर्स के या मिड डे मील आशा वर्कर्स के, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, सार्वजनिक क्षेत्र जो है उसको बचाने का सवाल है, इन